सड़क निर्माण को लेकर दो ग्रामों के निवासी हुए आमने सामने। सनावत समीपस्थ ग्राम भानबरड़ एवं ग्राम बोधगांव के निवासी एक सड़क निर्माण को लेकर आमने सामने हो गए हैं। ग्राम बोधगांव के निवासियों ने निर्माणाधीन सड़क के बीच टेंट लगाकर 8 दिन से सड़क निर्माण का कार्य रुकवा दिया है। दूसरी ओर ग्राम भानबरड़ के निवासियों ने सड़क निर्माण का कार्य पुनः शुरू कराने के लिए टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। दोनों ग्रामों के बीच विवाद भानबरड़ इंदिरा नगर बोधगांव सड़क निर्माण को लेकर है। ग्राम बोधगांव के निवासियों का कहना है कि भानबरड़ इंदिरा नगर बोधगांव सड़क का निर्माण सर्वे बदला गया है और भानबरड़ तथा बोधगांव के बीच परंपरागत मार्ग पर सीधे सड़क नहीं बनाते हुए नहर के मार्ग से घुमाकर काला पत्थर बोधगांव के बीच सड़क से जोड़ी जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए वर्तमान सड़क निर्माण का विरोध किया जा रहा है। बोधगांव के निवासियों का कहना है कि यदि विधायक सचिन बिरला और अधिकारी बोधगांव को सीधे जोड़ने वाली 1.25 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठोस आश्वासन देते हैं तो निर्माणाधीन सड़क का कार्य पुनः शुरू करने दिया जाएगा। ग्राम बोधगांव के प्रदीप सिंह चौहान, भीम सिंह चौहान, उत्तम सिंह चौहान, सुखदेव भाईड़िया आदि धरने पर बैठे हैं। दूसरी ओर ग्राम भानबरड़ और इंदिरा नगर के निवासियों का कहना है कि भानबरड़ सोसाइटी के सामने से इंदिरा नगर होते हुए बोधगांव इंदिरा नगर सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसलिए सड़क का कार्य जारी रहना चाहिए। यदि बोधगांव को सीधे जोड़ने वाली 1.25 किलोमीटर सड़क बनाई जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सड़क निर्माण का कार्य पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर ग्राम भानबरड़ के सरपंच प्रेमलाल करोड़ा, बालकराम शेजगाया, मोहन मलगाया, हेमसिंह बेरागढ़ आदि धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में विधायक सचिन बिरला ने कहा कि बोधगांव, भानबरड़ एवं इंदिरा नगर तीनों ही ग्राम के निवासी हमारे लिए बराबर हैं। अभी भानबरड़, इंदिरा नगर, बोधगांव रोड निर्माण को मंजूरी मिल गई है, इसलिए इस रोड को बनाने दिया जाए और जो बोधगांव को जोड़ने वाली 1.25 किलोमीटर की रोड छूट गई है उस रोड के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। जैसे ही रोड की मंजूरी मिलती है रोड निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। किसी भी ग्राम को सड़क की सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस बीच लोक निर्माण विभाग के SGOP बीके महाजन ने भी सड़क निर्माण स्थल का दौरा किया और दोनों पक्षों से चर्चा की। महाजन ने कहा कि सर्वे के आधार पर ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है। DCR नहर किनारे सड़क निर्माण का ही बना है, इसके लिए नहर की मंजूरी है। नहर की 2 पुलियाएं सक्रिय हैं, उन पुलियाओं का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। यह भूमि NVDA द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है। सड़क निर्माण के लिए नहर किनारे वाले किसानों की भी मंजूरी है। जो ग्रामीण नए रोड के लिए मांग कर रहे हैं उन ग्रामवासियों को उचित फोरम पर अपनी बात रखना चाहिए। हम नए रोड का प्राकलन भी बना देंगे, जिसके बाद आदेश मिलेगा तो सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। आगामी 3 से 4 दिनों में सड़क निर्माण का कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। यानी जो भानबरड़ इंदिरा नगर और बोधगांव इंदिरा नगर का जो रोड प्रस्तावित है, जो जिसका काम चल रहा है, इसको हम इसका समर्थन करते हैं। रोड ने जल्दी जल्दी बनना चाहिए। जो अभी 8 रोड तो इसको कौन ने रोक रखा है? ये कुछ बोधगांव वाले चाह रहे हैं कि ये रोड इधर नहीं बने और बोधगांव बने। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि रोड इधर नहीं बने और बोधगांव जाए। बोधगांव इंदिरा नगर नहीं चाहते, वो बोधगांव गांव में ले जाना चाहते हैं। पर काम तो चल रहा है ना रोड का? नहीं, काम बंद करवा दिया उन्होंने। काम बंद है यहाँ पर 8 दिन से काम बंद है। यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं, ये जो रोड अभी जो सुकृत हुआ है, कहाँ से कहाँ तक का है? ये भानबरड़ इंदिरा बेड़ी से लेकर अब जो प्रधानमंत्री रोड में बीच में जोड़ा गया है, ये थोड़ा गलत हुआ है। ये हमें मंजूर नहीं है। ये रोड को भानबरड़ से जो बोधगांव परंपरागत रोड है उसी तरीके से निर्माण होना था, उसी तरीके का रोड बनना था, उसी पे रोड बनना चाहिए, जिससे हम सब किसानों को और आम लोगों को, मजदूरों को आने जाने में सुविधा पूर्वक बने रहेगा। इसके सुलह के क्या प्रयास हो सकते हैं? सुलह के प्रयास ये है कि विधायक जी हमारे बीच में आए, हम विधायक जी से अपनी समस्या बताएंगे। विधायक जी हमारी कितनी मदद करते हैं, वो हमारी यदि मदद करते हैं और इस रोड को बनाने में पूरे प्रयास करते हैं तो ये सुलह का। तो कहाँ से कहाँ तक बनाना चाहते हैं आप लोग? अब ये इंदिरा बेड़ी तक तो बनी रहा है। हाँ। इंदिरा बेड़ी से बोधगांव तक का मार्ग कितना है? वो कितना किलोमीटर है? ये 1.25 किलोमीटर करीबन है। वो बन जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और धरना प्रदर्शन भी खत्म कर देंगे। इतनी सी बात है जो हमको इस बात पे बाध्य होना पड़ा है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, सनावत। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निवाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।